हेलो फ्रेंड्स, मैं अमृता। अभी तक हमने फर्स्ट पार्ट में सीड बॉर्न डिजीज के बारे में पढ़ा था एंड एक दो डिजीज पढ़ ली थी, जैसे फाइटोप्थोरा हो गया कि डिजीज पढ़ ली थी। अब हम आगे की डिजीज पढ़ेंगे टिम्बर्स की। हम निडिल कॉज डिजीज पढ़ते थे। सो निडिल कॉज डिजीज जो होती हैं वो बोटाइटिस के द्वारा होती है, कॉज्ड बाय बोटाइटिस। एंड मोस्ट ट्री, क्रिसमस ट्री एंड पाइन ट्री पे ये इफेक्ट करती हैं। जो ये डिजीज होती हैं वो ओनली लीव्स पे, पाइन की लीव्स पे इफेक्ट करती है, नॉट अ शूट एंड स्टेम। मीन्स ये स्टेम पे एंड रूट पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगी, केवल इसमें लीव्स डिस्ट्रॉयड होंगी। जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं डायग्राम में शो हो रहा है कि जो निडिल कॉज डिजीज होती हैं उसमें निडिल पे इफेक्ट होता है। इसमें येलो एंड ब्राउन कलर के स्पॉट पड़ जाते हैं और धीरे धीरे ये स्पॉट पड़ते जाते हैं एंड पूरा प्लांट डिस्ट्रॉयड हो जाता है। उसमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं हो पाती। ये है निडिल कॉज डिजीज। अब देखते हैं इसका कंट्रोल। इसका कंट्रोल यही है कि हमें इसे टाइम टू टाइम आइडेंटिफाई करना चाहिए और गुड फर्टिलिटी देनी चाहिए और देखना चाहिए टाइम टू टाइम कब इस पे, कहाँ पे इस पे इन्फेक्शन हो रहा है, वहाँ पे हमें स्प्रे करनी चाहिए, एयर मूवमेंट को इंक्रीज करना चाहिए और स्प्रे देकर उसकी जो डिजीज प्रॉब्लम है उसको रिमूव करना चाहिए। अब आ जाती है दूसरी डिजीज टिम्बर्स की, सैंडल स्पाइक डिजीज, कॉज्ड बाय फाइटोप्लाज्म। ये मोस्टली ईस्ट इंडिया सैंडल वुडी प्लांट्स जो होते हैं उनमें होती है। जो इसका मेन सिम्टम्स है, रोस्टी स्पाइक हो जाती है। मीन्स इसकी जो लीव्स होती हैं वो इंक्रीज हो जाती है, रिडक्शन हो जाता है, उनमें छोटी हो जाती हैं और उनमें इंटरनोड्स बन जाते हैं। इंटरनोड्स मीन्स यहाँ पे बीच में एक इंटरनोड्स बन जाएगा और लीव्स लास्ट में रेडीज एंड येलोज कलर की होती है और जिससे प्लांट को इफेक्ट पड़ता है वो डिस्ट्रॉयड हो जाता है। अब आ जाता है इसका कंट्रोल। यह है सैंडल स्पाइक डिजीज जो है उसका कंट्रोल यही है कि जो गम्स प्लांट्स होते हैं उनको उससे 10 से 20 मीटर दूरी पे लगाना चाहिए, जिससे कि जो सैंडल स्पाइक प्लांट्स हैं उनमें डिजीज इन्फेक्शन न कर पाए और उन पे स्प्रे करते रहना चाहिए जहां पे डिजीज क्रिएट हो। ओके, अब आ जाता है बैक्टीरियल कैंकर डिजीज। ये जो बैक्टीरियल कैंकर डिजीज है ये मैंगोज पे होती है, कॉज्ड बाय जेंथोमोनास कंपेस्टिक्स के कारण होती है। इसमें जो लीव्स होती हैं वो लीव्स का साइज छोटा हो जाता है, इलोंगुलेटेड हो जाता है एंड इसका जो कलर होता है वो डिसकलर हो जाता है, ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है और जो प्लांट्स है उसकी बार्क पे भी इन्फेक्शन करता है ये। और इससे जो ट्विक्स होती हैं वो
स्मॉल हो जाती है, जिससे कि प्लांट डिस्ट्रॉयड हो जाता है, धीरे धीरे फ्लोरोस फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं हो पाती, जिससे प्लांट के और पार्ट पे भी इन्फेक्शन होता है। इसका कंट्रोल यह है कि जो इन्फेक्शन, जहाँ पे इन्फेक्शन है पार्ट, उसको कट कर दिया जाता है और स्प्रे कर दी जाती है, जिससे कि वह इन्फेक्शन है और न बढ़े। यही इसका कंट्रोल है। अब आ जाती है डेथल येलो ऑफ पाम डिजीज। ये जो पाम डिजीज है, ये जब पाम्स होते हैं, उनका कल्टीवेशन किया जाता है, उस टाइम ये डिजीज क्रिएट होती है एंड उसकी जो लीव्स होती हैं वो येलो ब्राउन कलर की हो जाती है, एंड जिससे उसका जो फ्रूट्स है, ये डायग्राम में आपको शो हो रहा है, वो कुछ इस तरह से हो जाता है, डिस्ट्रॉयड हो जाता है, खराब हो जाता है। इसका कंट्रोल यही है कि हमें इस पे स्प्रे करनी चाहिए और जो इसका कल्टीवेशन है उस पे उसको सही ढंग से एक फर्टिलिटी देनी चाहिए और टाइम टू टाइम आइडेंटिफाई करना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब करना न भूलें, बिकॉज जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियोस हैं उनकी इन्फॉर्मेशन आपको सब्सक्राइब करने पर ही प्राप्त होगी। सो ओके फ्रेंड्स, बाय।